नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके बताएंगे कि इंदौर से गोवा तक की फ्लाइट के प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सबसे पहले आपको कह देता हूँ कि सस्ती फ्लाइट ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से एक बार चेक कर लीजिए। ऑफलाइन यानी कि आपके लोकल ट्रेवल एजेंट और ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि makemytrip.com, yatra.com, musafir.com etc etc। इंदौर से गोवा तक की रोड डिस्टेंस तकरीबन 1150 किलोमीटर है और एरियल डिस्टेंस तकरीबन 850 किलोमीटर है। इंदौर से गोवा तक की डायरेक्ट फ्लाइट ड्यूरेशन तकरीबन 1.5 घंटे है और कनेक्टिंग फ्लाइट ड्यूरेशन है तकरीबन 4 से 7 घंटे ऑन एवरेज। तो चलिए अभी देखते हैं इंदौर से गोवा तक की फ्लाइट के प्राइस कितना होता है इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में। तो इंदौर से गोवा तक की डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ एक ही है, वो भी इंडिगो है सिर्फ, और इंदौर से ये फ्लाइट जाएंगे दोपहर को 12:35 पे। नॉनस्टॉप फ्लाइट है ये और टोटल ड्यूरेशन 1 घंटे 40 मिनट है और गोवा जो है पहुंचेंगे 2:15 पे और इसकी प्राइस जो है 5,080 रुपए है। तो ये फ्लाइट जो है 100% ऑन टाइम ऑलमोस्ट है। चलिए एक बार फ्लाइट डिटेल्स देख के लेते हैं। तो ये जो है ये एक है एयरबस A320, ठीक है, और यहाँ पे बैगेज दे रहे हैं 15 kg एक पीस ओनली चेक इन बैगेज और केबिन बैगेज जो है 7 kg दे रहे हैं एक पीस ओनली। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा बैगेज ले जा सकते हो लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो सिर्फ एक ही है। तो फेयर सवर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सरचार्ज ये सब लगा के टोटल 5,080 रुपए है। कैंसिलेशन चार्ज अगर आप मेक माय ट्रिप पे देखते हो, यहाँ पे देख सकते हो 0 से 3 घंटे फ्लाइट डिपार्चर तक अगर आप कैंसिल करते हो आपको नॉन रिफंडेबल है, एक भी पैसा रिटर्न नहीं मिलेंगे। अगर आप फ्लाइट के डिपार्चर के 3 घंटे से 4 दिन के अंदर कैंसिल करते हो आपको पड़ेंगे 3,500 और 300 रुपया फाइन एक्स्ट्रा, मतलब 3,800 रुपीज कैंसिलेशन चार्ज पड़ेंगे। और अगर आप 4 दिन से आगे अप टू 1 ईयर कैंसिल करते हो आपका चार्जेस जो है 3,300 रुपए लगेंगे। और उसके बाद डे चेंज जो है तकरीबन ऑलमोस्ट द सेम ही है, 0 से 3 आवर्स जो है नॉन चेंजेबल, आप चेंज नहीं कर सकते हो। और 3 घंटे से 4 दिन तक आप 3,250 रुपए और 300 रुपए और एडिशनल फेयर डिफरेंस लगेंगे। और 4 दिन से 1 साल तक आपको 2,750 रुपए और 300 रुपए एडिशनल और फेयर डिफरेंस पाने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कैंसिलेशन और डे चेंज जो है वो करने से आपका भारी लॉस होगा, तो इसलिए सोच समझ कर ही आप फ्लाइट टिकट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट फ्लाइट जो दिखा रहा हूँ 5,080 रुपए है, 1 घंटे 40 मिनट लेंगे इंदौर से लेके गोवा तक। और अभी चलिए कनेक्टिंग फ्लाइट देख लेते हैं। मैं इसको नॉनस्टॉप को हटा दिया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं वन स्टॉप कर लेता हूँ। वन स्टॉप करने के बाद आप देख सकते हो फ्लाइट प्राइसेस थोड़ा ज्यादा ही है। कनेक्टिंग जो सबसे सस्ती वाली है 5,250 रुपया है और टोटल 4 घंटे लगेंगे। ये फ्लाइट जाएंगे वाया नासिक, नासिक में 1 घंटे 5 मिनट ले ओवर है। सुबह को इंदौर से 9:30 में जाएंगे और गोवा पहुंचेंगे 1:30 दोपहर को। उसका नेक्स्ट फ्लाइट जो है और एक्सपेंसिव है, 5,500 से भी ज्यादा है। ये टोटल 3 घंटे 40 मिनट लेंगे और नेक्स्ट फ्लाइट जो है 5,600। तो डायरेक्ट फ्लाइट जो था 5,000 रुपए के आसपास था लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट जो है कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, तो इसलिए आप डायरेक्ट फ्लाइट लेने से आपके ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया इकोनॉमिक क्लास। चलिए अभी चेक कर लेते हैं बिजनेस क्लास पे फ्लाइट टिकट प्राइस है कि नहीं इंदौर से गोवा तक। तो मैं सर्च कर रहा हूँ अभी और यहाँ पे देख सकते हो इंदौर से गोवा तक बिजनेस क्लास टिकट है लेकिन प्राइस जो है काफी ज्यादा है, 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, 18,803 रुपया है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है 24 घंटे 10 मिनट लगेगी। ये वाया मुंबई जाएंगे और मुंबई में आपको 21 घंटे 25 मिनट रुकना होगा। और नेक्स्ट फ्लाइट जो है ये 22 घंटे 10 मिनट टोटल ड्यूरेशन है, मुंबई में आपका 19 घंटे 30 मिनट ले ओवर है। प्राइस बहुत ही ज्यादा है, 30,700 है। तो ये दो एयर इंडिया की फ्लाइट से बिजनेस क्लास। और चलिए बिजनेस क्लास को हटा के देखते हैं फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स है कि नहीं इंदौर से गोवा तक। तो मैं सर्च कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स और यहाँ पे देख सकते हो कोई भी फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स नहीं है इंदौर से गोवा तक। तो दोस्तों उम्मीद आपको पता चला कि इंदौर से गोवा तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। फिलहाल आज यही पे खत्म करें वीडियो को, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।